रेड लिपस्टिक आप सब ने देखा होगा बहुत सारी औरतों को लगाए हुए कई लोगों ने कमेंट भी किए होंगे लोग करते ही हैं तो लिपस्टिक लगाने वाली औरतें हैं ये क्या जाने एक तरह से उसका निगेटिव प्रचार एक पेट्रियारकल सोसाइटी में ज़्यादा होता है लेकिन क्या लिपस्टिक लगाने से किसी की जान बच सकती है क्या औरतों की ज़िंदगी बदल सकती है इतिहास में ऐसा हुआ है और आज हम बात करेंगे इसी पे आप देख रहे हैं हिस्ट्री टू पॉइंट हो इंडियन पॉपुलर कोर्ट पर मैं हूँ आपका दोस्त अनिमेश तो हुआ ये कि हिटलर के डेथ कैंप बेसन में एक डेथ कैंप था जिसके आखिरी दिनों में कर्नल मार्विन बिलेट गॉनिन लेफ्टिनेंट कर्नल थे ब्रिटिश आर्मी के वो पहुंचे अप्रैल 1945 की बात है विश्वयुद्ध खत्म होने पे था और कर्नल ने अपनी डायरी में घटना का जिक्र किया कि कैसे एक रेड लिपस्टिक ने इतिहास बदल दिया दुनिया बदल दी हजारों औरतों की जिंदगी बदल दी हुआ गया कि जब कर्नल पहुंचे पांच 500 डेथ रोज का एवरेज था छोटे बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक सब मर रहे थे और जो नहीं मर रहे थे वो मरने से ज़्यादा बदतर स्थिति में थे कर्नल लिखते हैं कि वहाँ पर लाशों के ढेर सड़क पर खुले में जगह जगह पड़े हुए थे मैदानों में कोई उनको देखने वाला नहीं जो जिंदा है वो भी मरने की स्थिति में है वो उनको कोई देखने वाला नहीं वो लाशें सड़ रही हैं उनसे इंफेक्शन फैल रहा है उससे लोग और मर रहे हैं जो लोग जिंदा हैं उनको खाना मिल रहा है ब्रेड मिल रही है अगर कीड़े पड़े हुए हैं उसमें तो कीड़े के साथ ही उसको खा ले रहे हैं हटाने की जहमत भी नहीं कर रहे हैं औरतें बिना कपड़ों के पब्लिकली निकल जा रही हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो किस दशा में इस तरह की बहुत खराब स्थिति में सारा था कहते ना कि जिंदगी जीने का जज्बा खत्म हो गया वो स्थिति थी इस बीच में रेड क्रॉस से वहाँ पर सहायता आती है क्योंकि युद्ध खत्म था उस वहाँ से क्या कहते हैं नाजियों का कब्जा खत्म हो गया था उस जित कैम्प से वहाँ पर रेड क्रॉस से जो सहायता आती है उसमें एक डब्बा आता है जिसमें हजारों लिपस्टिक 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 होती हैं ब्राइट ब्राइट रेड जो सबसे ब्राइट, एक आइकॉनिक शेड है का वो होता है आर्मी वालों को लगता है कि ये क्या बेवकूफी है बेवकूफी नहीं हम इसके अलावा दूसरा शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से नहीं कर रहे हैं तो लेकिन बाद में कर्नल लिखते हैं अपनी डायरी में कि आ, ये जिसने भी किया वो बहुत बड़ा जीनियस था हुआ गया कि वो लिपस्टिक औरतों को मिली राशन के साथ, चीजों के साथ साथ चीज़ों दे दी गई तो और एक औरत ने उठा के एक दिन एक लिपस्टिक लगाई उसके बाद और औरतों ने लगाई और ने लगाई और धीरे धीरे उनके पास कुछ नहीं था लेकिन उनका जो जिंदगी जीने का जज्बा था सजने संवरने का जज्बा था जैसे देवानंद कहा करते थे कि जिस दिन आदमी शीशा देखना छोड़ देता है उस दिन बुढ़ा हो जाता है तो वो जो जज्बा था वो धीरे धीरे वापस आने लगा कर्नल ने बाद में लिखा है कि जिसने भी किया उसके ऊपर मैं पहले बहुत गुस्सा है कि यहाँ पर खाने की चीज़ें दवाइयों की जरूरत है और आप यहाँ पर लिपस्टिक भेज रहे हैं लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसने उन सब को बाहर निकाला उस सदमे से उस ट्रामा से और वो औरतें धीरे धीरे बताते हैं कि कई बार वो मरने की कगार पर होती थी वो आखिरी बार मेकअप के लिए तैयार होती थी या वो इस उम्मीद में होती थी कि एक दिन चीज़ें सुधरेंगी तो वो तैयार होंगी सजेंगी सवरेंगी घूमने जाएंगी बाहर निकलेंगी जिंदगी पहले की तरह खुशहाल होगी ये सारी चीज़ें तो बताती हैं कि कैसे बहुत छोटी सी चीज़ें बहुत आइकॉनिक चीज़ें कई बार जिंदगी बदल सकती हैं हम सब के ज़िंदगी में से दौर आते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि जिंदगी ख़त्म हो गई है आगे कुछ दिख नहीं रहा है बहुत सारी चीज़ें जैसे मसान का वो सीन आपने देखा ही होगा ना कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता है पे नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा वो हम सब की ज़िंदगी में अलग अलग वजहों से कभी ना कभी आता ही है बात है उससे निकलने की तो यहाँ पर जो तरीका था बहुत छोटी सी चीज़ थी कई बार होता ये है कि हम जिन चीज़ों को दूसरी जगहों पर ढूंढते हैं कि बाहर ढूंढते हैं ऐसा मिलेगा वो होगा ऐसा देखेंगे करेंगे दवाइयाँ आएंगी साइकोथेरेपी चाहिए होगी और कंसल्टेंट की हेल्प लेंगे बहुत सारी चीज़ें आजकल हो गई हैं सोशल मीडिया के बाद और ज्यादा क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स हो गई हैं चीजें उससे ज्यादा जरूरी होता है कि जो चीज आपके अंदर की आग को जगा सके हो सकता है वो बहुत छोटी सी चीज़ हो हो सकता है बहुत बड़ी चीज़ हो सकता है आपके बिल्कुल पास में मतलब जरूरी नहीं है कि वो कीमती हो तो ये लिपस्टिक वाली घटना वैसे ही बताती है और बताती है कि हमें लड़ते रहने का जो जज्बा है उसको नहीं छोड़ना चाहिए और चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए अपने तरीके से और कुल मिला ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा हिस्ट्री टू पॉइंटों में हम इतिहास के अलग अलग पहलुओं को दूसरे पहलुओं पर बात कर रहे हैं जो कॉमन मिथ है उससे अलग क्या था और अगर आपके पास ऐसी कोई घटना है अगर आप ऐसी किसी घटना के बारे में जानते हैं जानना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा हम इस पर ज़रूर बात करेंगे और ज़िंदगी जीते रहिए ज़िंदगी जंग है जारी रखिए और कुल मिला ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा नमस्कार धन्यवाद